हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 5.2 पांचवां चैप्टर समांतर श्रेणी जिसका नाम है और सूत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं ए एन बराबर ए जमा एन माइनस एक इंटू डी, इसके 10वां 11वां 12वां और 13वां सवाल हल करने के लिए जा रहे हैं। आइए समझते हैं बहुत अच्छे से एक एक करके। सवाल नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं आपके लिए। प्रश्नावली 5.2 का 10वां प्रश्न हमने लिख लिया है जिसमें हमें दिया है कि किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब क्या दे रखा है, 17वां पद जो है ये 17 लिख लिया हमने, 17 बराबर ये 10वें पद से ए जमा ए 10 से 7 अधिक है। यानी मैंने 17वां पद को ए 10 जमा 7 करके ए 17 के बराबर रख दिया। ठीक है, हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है। हम इसका सारवंतर, सारवंतर का मतलब क्या होता है, यानी कि डी का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए ए 17 का अर्थ क्या है, ए जमा 16 डी, क्योंकि सूत्र क्या कहता है, सूत्र लिख देते हैं यहां पर आपके लिए एक बार फिर से ताकि याद हो जाए बहुत अच्छे से, ए एन बराबर ए जमा एन माइनस एक इंटू डी। तो यानी अगर एन 17 है तो एक कम करके लिखेंगे ए जमा 16 डी, और ए 10 को लिख सकते हैं ए जमा 9 डी जमा 7। तो देखिए ये ए इधर आ जाएगा ए जमा 16 डी, ये प्लस का इधर आके माइनस का ए, प्लस का 9 डी इधर आके माइनस का 9 डी बराबर में 7। अब प्लस का ए माइनस का ए कट गए, 16 में से 9 गए, 7 डी बराबर 7। तो डी का मान जो सारवंतर था हमें ज्ञात करना था वो कट जाएगा 7 से 7, तो डी बराबर 1 आ गया। देखिए 11वां प्रश्न लिख रहे हैं, एपी दिया हुआ है हमें 3, 15, 27, 39। इस एपी 3, 15, 27, 39 में देखिए प्रथम पद जो है ए बराबर 3 है, सारवंतर अगर ज्ञात करने की कोशिश करें डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी 15 में से अगर 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, डी 12 आया। इस एपी में हमें दिया हुआ है कि इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी अगर हम मान लें कि इसका एनवा पद जो है वो एन जो है 54वें पद, मतलब ए 54 से 132, तो एन का मान जो हुआ वो ए 54 जमा 132 हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हमें ए और डी तो दे ही रखे हैं प्रश्न में, देखिए ए 3 दे रखा है डी 12, तो ए एन वाला मैं सूत्र यहां लिख लेता हूं, ए जमा एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और हमें ये दे रखा है कि ये ए 54 जमा 132 के बराबर है। ए एन का सूत्र लगा रहे हैं, देखिए ए जमा एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी, ए 54 का मतलब ए जमा 53 डी, एक कम करके लिखते हैं, जमा 132। ठीक है, ए और डी के मान हमें पहले से पता है, ए का मान 3 है, डी का मान 12 है, यहां लिख देंगे ए के स्थान पे 3 जमा एन हमें ज्ञात करना है, डी के स्थान पे 12, यहां फिर से ए के स्थान पे 3 जमा 53, डी के स्थान पे 12 जमा 132। इसको हल कर दीजिए, देखिए ये 3 से 3 कट गया, एन माइनस 1 गुना 12 बराबर 53 को 12 से गुना कर दीजिए कितना आएगा, 12 36 का 6 हासिल 3, 12 5 60 और 3 63, 636 जमा 132, तो n माइनस 1 गुना 12 बराबर ये दोनों जमा हो जाएंगे, देखिए 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 768, तो n माइनस 1 आ गया 768 बटे में 12, ये 12 इसके बटे में चला जाएगा, इसको काट दीजिए, 12 के पहाड़े को डायरेक्ट काट सकते हैं, 12 कम 12 बार 6 72, 2 4 बचेगा 48 और 12 4 48, तो n माइनस 1 64 के बराबर आया, और 1 इधर जाके प्लस का बन जाएगा तो 64 जमा 1 यानी कि 65, तो यानी कि जो 65वां पद आएगा, 65वां पद ए 65 वो उसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। देखिए 12वां प्रश्न कर रहे हैं, लिखा है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर यानी कि जो डी का मान है वो समान है, एक जैसा है, और फिर दिया है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। तो दो परिस्थितियां देखिए, पहली है, पहली श्रेणी हम मान लेते हैं प्रथम पद ए और सारवंतर डी, दूसरी श्रेणी में प्रथम पद स्मॉल ए ले लेते हैं क्योंकि प्रथम पद अलग हो सकता है, लेकिन सारवंतर हमने डी ही लिखा है क्योंकि समान लेना है दोनों श्रेणियों का। अब प्रश्न में लिखा कि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पद की बात करें पहली श्रेणी के लिए तो क्या आएगा, देखिए पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद, तो पहली श्रेणी के 100वें पद को लिख दिया मैंने कैपिटल ए 100 माइनस दूसरी श्रेणी के पहले पद को लिख दिया स्मॉल ए 100 बराबर में हमें दिया है 100 आएगा, तो ए 100 का मान क्या होगा, सूत्र आपको पता है ए जमा एन माइनस 1 इंटू डी के हिसाब से ये बनेगा ए जमा 99 डी, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस, और ये बनेगा ए जमा 99 डी क्योंकि डी तो समान है
लेकिन कैपिटल ए और स्मॉल ए चेंज रहेगा, बस बराबर में सो लिखना था। ब्रैकेट खोल दीजिए, क्या आएगा देखिए, ए जमा 99 डी, जब माइनस लगा के ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस 99 डी बराबर सो। तो प्लस का 99 डी माइनस का 99 डी कट गया, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर सो आ गया, हमारे पास ये मान सो आ गया। लेकिन हमें कहा गया कि इनके हजारवें पदों का मान क्या आएगा, तो आप हजारवां पद भी लिख लें। मान लीजिए 1000 माइनस ए 1000, ये निकालना है, तो ए 1000 क्या बनेगा, ए प्लस 999 डी होगा, माइनस फिर से ये भी ए प्लस 999 डी, बस कैपिटल ए और स्मॉल ए का फर्क आएगा, बाकी सारा समान रहेगा। ए जमा 999 डी माइनस ए चिन्ह बदल जाएगा, बाहर माइनस है तो 999 डी। अब प्लस का 999 डी माइनस का 999 डी कट गया, क्या आया, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और इसका मान कितना है, इसका मान आया था 100 हमारे पास, तो यहाँ लिख देंगे बराबर में 100। तो यानी हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही आएगा, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एपी का प्रथम पद क्या है, अगर सार्व अंतर समान है तो किसी भी पद का अंतर समान रहेगा। देखिए 13वां प्रश्न कर रहे हैं, तीन अंकों वाली कितनी संख्या है, तीन अंकों वाली संख्या आपको पता कौन सी होती है, जो 100 से ज्यादा है और 1000 से कम है। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है, मतलब पूरी की पूरी हमें बताना कि 100 से बड़ी और 1000 से छोटी कितनी संख्याएं हैं जो पूरी पूरी 7 से भाग हो सकती हैं। तो सबसे पहला अंक जो 100 से बड़ा है और 7 से भाग हो सकता है वो हमारा शुरू होता है 105 से। तो अगला ज्ञात करने के लिए उसमें 7 जमा कर दें 112, फिर उसमें 7 जमा कर दें 119, ऐसे चलता जाएगा, और आखिरी जो संख्या होगी जो 1000 से कम होगी और 7 से पूरी पूरी भाग हो सकती है वो 994 आएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद हमने ले लिया 105, सार्वंतर डी, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए 112 माइनस 105 7, और अंतिम पद 994 है। सूत्र आपको पता है क्या था, सूत्र फिर से लिख देता हूं ताकि याद हो जाए सभी बच्चों को, आपने भी लिखना है, ए जमा एन माइनस एक ब्रैकेट के बाहर डी, ए एन के स्थान पे 994, ए के स्थान पे 105, एन हमें ज्ञात करना है और डी के स्थान पे 7। इसको हल कर देंगे, देखिए 994 बराबर 105 जमा, ब्रैकेट खोल दीजिए, 7n माइनस 7 आएगा, ये आएगा अब 994 बराबर 105 में से 7 का कितना बचेगा 98 जमा 7n, तो 98 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 7n का मान आया 994 माइनस 98, तो 7n बचेगा, देखिए 94 तो एक घट जाएंगे, 4 और घट जाएंगे, तो 896 आ गया, तो n का मान आ गया 896 बटा 7, 896 को 7 से भाग कर दीजिए आप, 7 के पहाड़े में कटना चाहिए पूरा, देखिए 7 एकम 7 एक बचेगा, 9 19 7 दूनी 14 5 56 7 8 56, तो n बराबर 128, यानी 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 100 से बड़ी और 1000 से छोटी हैं और 7 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये था कक्षा 10वीं के लिए प्रश्नावली 5.2 के सवाल 10 से लेकर 13 तक सवाल, जिनमें हमने आपको an का सूत्र a जमा n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d प्रयोग करना सिखाया। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, कक्षा 10वीं के जितने भी और बच्चे हैं इन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वेदिक गुरुज YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वेदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वेदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।